अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपको दिखाई जाएगी टोयोटा CHR। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इंटीरियर और एक्सटीरियर देखेंगे और साथ ही साथ इसकी स्पेक्स और फीचर्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी GT रोड पर अवेलेबल है। तो अगर आप एक CHR खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो आप विजिट कर सकते हैं www.sahgalmotorsports.pk पर, या आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये 2017 का मॉडल है और 19 की इम्पोर्ट है। एक पीस इसका टचअप है, उस एक पीस के ऊपर टचअप्स हैं पेंट के, बाकी कम्प्लीटली ये गाड़ी नीट एंड क्लीन है और जेन्युइन कंडीशन के अंदर है। सो आ जाएं गाड़ी के अंदर चलते हैं, इंटीरियर वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे और इसके तमाम तर फीचर्स वगैरह के बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ये है जी इसकी रियर साइड और ये है इसकी दूसरी साइड। आ जाएं गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले जब ये स्टार्ट होगी, वेलकम करेगी, तो कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो ऑन होता है। यहाँ पर ये एंड्रॉइड पैनल इसमें प्री इंस्टॉल्ड है और जल्दी से हम इसके हेडलैम्प्स को ऑन करते हैं, साथ ही इसकी हाई बीम को ऑन करते हैं और फिर हम देखते हैं इस गाड़ी का एक्सटीरियर देखते हैं, और बल्कि हम यहाँ पर इसकी हेडलाइट स्विच भी ऑन कर लेते हैं और आ जाएं आपको गाड़ी की फ्रंट लुक पहले मैं प्रोवाइड करता हूँ और फिर उसके बाद हम गाड़ी के अंदर चलेंगे। ये है जिस गाड़ी की फ्रंट लुक, और वैसे अगर आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बड़ी ही फ्यूल इकोनॉमिक कार है, क्योंकि जो फ्यूल की प्राइसेस चल रही हैं उस लिहाज से अगर आप इस साइज़ की एक गाड़ी लेना चाहते हैं जो कि पाकिस्तानी से इस वक्त पाकिस्तान में नॉर्मली आपको या तो किया स्पोर्टेज मिल जाएगी या MG मिल जाएगी, उनकी निस्बत अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है, क्योंकि एक लग्जोरियस किस्म की गाड़ी है, इसकी लुक्स बहुत खूबसूरत है, प्लस इनके साथ साथ आपको हाइब्रिड पैकेज भी मिलता है, तो फ्यूल इकोनॉमी भी इस गाड़ी की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। प्राइस के बारे में अगर बात करते चलें तो इसकी 70 लाख रुपए डिमांड की जा रही है, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके एक डोर के ऊपर पेंट के टचअप्स वगैरह हैं, बाकी टोटल ये गाड़ी नीट एंड क्लीन है। सो फ्रंट साइड पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आपको कंप्लीट LED लाइट्स का सेटअप मिलता है, ये आप देख सकते हैं, सिक्वेंशियल इफेक्ट इसके अंदर आपको मिलेगा जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ नीचे आपको इसमें टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ऊपर इसमें LED लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, लो बीम और हाई बीम दोनों के लिए आपको LED लाइट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, और फ्रंट साइड से आप इसकी लुक देख सकते हैं। उसके अलावा फॉग लैंप्स भी इसमें आपको LED में ही मिल जाएंगे। तो साइड पर अगर हम आ जाएं, इस गाड़ी के अंदर आपको 18 इंचेस के रिम्स मिलेंगे जो कि ग्रे और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में और बहुत ही खूबसूरत लुक वाइज दिखते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइब्रिड ड्राइव का आपको बैज मिल जाएगा, इसमें सेकंड जनरेशन की हाइब्रिड साइनर्जी ड्राइव यूज हुई है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट टोयोटा की साइनर्जी ड्राइव है हाइब्रिड वाली। उसके साथ साथ अगर हम बैक साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर इसमें रियर साइड पर कंप्लीट ही कह सकते हैं LED लाइट्स का यूज किया गया है, जिसमें इसकी बैक साइड पर पार्किंग लाइट्स शामिल हैं, टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लैंप्स शामिल हैं। बैक साइड पर इस गाड़ी की शेप बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप इस गाड़ी को रियर साइड से देखें तो आपको एक इंतहाई मैसिव किस्म का एक स्पॉयलर नजर आएगा जो कि इसके एरोडायनामिक्स में भी मदद करता है और साथ ही साथ गाड़ी की लुक्स को भी इनहेंस करता है। स्पॉयलर के ऊपर हाई माउंटेड टॉप लाइट आपको मिल जाती है जो कि LED के अंदर होती है, इसके साथ साथ यहाँ पर शार्क फिन एंटीना आपको दिया जाता है, और बैक साइड पर अगर हम देखें तो हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव के बैच के साथ साथ CHR की बैचिंग भी आपको रियर साइड पर मिल जाएगी। उसके अलावा रियर पार्किंग सेंसर्स आपको बैक पर 4 अदद मिलेंगे, फ्लेक्चर्स वगैरह मौजूद हैं। सो आ जाएं अब अंदर चलते हैं और मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखा देता हूं। अच्छा जी, सो इंटीरियर की लुक आप इसकी देख सकते हैं, डैशबोर्ड इंतहाई साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ये इसमें एंड्रॉइड पैनल प्री इंस्टॉल्ड है तो ये चीज़ आपको इसमें बाद में नहीं लगवानी पड़ेगी। इसके साथ साथ गाड़ी की अगर हम माइलेज की बात करें तो ये गाड़ी 57,889 किलोमीटर्स चली हुई है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके साथ साथ इसमें आपको यहां पर ये बैटरी की इंडिकेशन कम्प्लीटली मिल जाएगी, यहां पर स्पीड मीटर आपको इसमें दिया जाता है, डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसमें दिया जाता है, और अच्छी बात यह कि फ्रंट पर आपको इसमें ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप इसका जो है पैसेंजर का टेम्परेचर और यहाँ से आप इसका ड्राइवर का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि इसका AC या हीटर को आप इकोनॉमिकली भी चला सकते हैं। उसके अलावा नीचे अगर देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर गियर नॉब मिल जाती है जो कि यहाँ से कुछ इस तरह से आप इसके गियर्स के अंदर शिफ्टिंग करेंगे और इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक आपको मिल जाएगी, और इसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक होल्ड और EV मोड का बटन आपको दिया जाता है। रूफ पर अगर हम देखें तो इसमें आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैनिटी मिरर्स दिए गए हैं लाइट्स के फैसिलिटी के साथ, इस मिरर के अंदर आपको ऑटो डिमिंग दी गई है, इसके साथ साथ यहाँ पर भी ये फीचर मौजूद है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये टोयोटा CHR कैसी लगी।
अगर हम सीट्स की बात करें तो इसकी सीट्स को बहुत ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया। उसकी वजह अगर आप देखें तो ऊपर लेदर है, यहाँ पर नीचे भी फ्रंट साइड पर लेदर है, लेकिन अगर आप इस पोर्शन पर देखें और इस पोर्शन पर देखें तो यहाँ पर फैब्रिक का यूज किया गया है जो कि बेसिकली एक डायमंड कट स्टाइल के अंदर आता है और ये परफोरेशन के अंदर बहुत मदद करता है, खासतौर पर गर्मियों में जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म का इसमें फीचर यूज किया गया। बाकी इसमें बकेट सीट्स आपको मिल जाती है, एडजस्टमेंट इनमें मैनुअली आती है लेकिन ये लंबर जो है इसमें इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको इसमें मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा। नीचे अगर आप देखें तो ऑटो हाई बीम असिस्ट का फीचर इसमें मौजूद है, फ्यूल हेड ओपनर इसका इलेक्ट्रिकल आता है। ये था जी कंप्लीट इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर। आ जाएं अब जल्दी से मैं आपको इसका रियर इंटीरियर भी दिखाता हूं और उससे पहले मैं आपको इसका डोर दिखा देता हूं। सो यहां पर आपको एक प्रॉपर पैटर्न मिलता है जो कि डायमंड कट के अंदर आता है और वही पैटर्न आपको इसका जो है रूफ के ऊपर भी मिल जाएगा अगर आप देखें इस तरीके से। डिजाइन थीम इसकी काफी डिफरेंट है, मतलब आप अगर इसको आम टोयोटा की गाड़ियों से देखें तो इसकी डिजाइन थीम काफी उनसे डिफरेंट है। उसके अलावा बेसिक ऑप्शन में इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड रिट्रैक्टेबल साइड मिरर्स हैं, तमाम विंडोज ऑटो हैं। बैक साइड पर आ जाते हैं और मैं आपको इसका रियर इंटीरियर भी दिखा देता हूं। यहां पर बैक साइड पर भी आपको लेदर और फैब्रिक के कॉम्बिनेशन में सीट्स मिलती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जैसे आपको फ्रंट पर परफोरेटेड सीट्स मिलती हैं उसी तरह से रियर साइड पर भी इसमें आपको परफोरेशन का ऑप्शन मिल जाता है। और मजे की बात यह कि इसमें प्रॉपरली अगर आप देखें तो बैक साइड पर भी यहां पर इसमें एयरबैग्स दिए गए हैं, फ्रंट पर पिलर्स के ऊपर, फ्रंट पर डैशबोर्ड के ऊपर ड्राइवर के लिए नी एयरबैग इसमें आपको दिया गया है। और अगर हम इसकी सीट्स पर नजर डालें यहां पर भी एयरबैग्स का फीचर मौजूद है। तो तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अदद एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किया जाते हैं। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, इंटीरियर एक्सटीरियर आपको कैसा लगा और कंडीशन खास तौर पर आपको इस गाड़ी की कैसी लगी। मैं आप एक बार फिर आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ, 70 लाख रुपए इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है और मॉडल है जी 2017 का, 19 की इंपोर्ट है और 50,000 के आसपास ये गाड़ी ड्रेवन है। अगर इसको खरीदना चाहें, इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। आ जाएं अब आपको जल्दी से इसका इंजन बे भी मैं दिखा देता हूँ। ये आपके सामने इसका 1.8 लीटर का एक हाइब्रिड इंजन है और इसकी लुक भी आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो टोयोटा CHR 2017 मॉडल की। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस गाड़ी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।